at itself, on itself, is too good a certification, a degree to not help you reach the milestones that you would want to in your life. MBA versus CFA, एक ऐसा सवाल जो कैंडिडेट्स को बहुत परेशान करता है. कैंडिडेट्स कहते हैं सर फाइनेंस में इंटरेस्ट तो है बट कोई एक कोर्स करना हो तो कौन सा करें, MBA करें या CFA करें. माय पर्सनल ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है MBA फाइनेंस वर्सेस CFA का डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए. रीज़न बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है दोस्त, दोनों कोर्सेज का फोकस एरिया डिफरेंट है. इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट डिफरेंट, इट इज़ एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री. ये वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पे मैं वीडियो के सेकेंड हाफ पे आऊँगा, पहले अभी तक के क्या बोल रहा हूँ उसे डिस्क्राइब करता हूँ. CFA का फोकस एरिया है टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस, टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ कोर फाइनेंस. मतलब अगर आप CFA बन जाते हैं, तीनों लेवल्स क्रैक कर लेते हैं, तो आप बनेंगे फाइनेंस के स्पेशलिस्ट, मतलब फाइनेंस के डॉक्टर साहब. ठीक है, वहीं अगर आप MBA फाइनेंस के लिए जा रहे हैं, या फिर इंडिया में जनरली MBA फाइनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, यू डू अ जनरल MBA और सेकेंड ईयर में फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं. तो अगर आप MBA के लिए जा रहे हैं तो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स लाइक मार्केटिंग, ऑपरेशंस, HR, आजकल बिग डेटा वगैरह बहुत चल रहा है, वो सब भी पढ़ना पड़ेगा. ठीक है ना, तो MBA के में फोकस जो हुआ वो कोर फाइनेंस पे नहीं है. MBA में फोकस इज अबाउट यू बीइंग अ जनरल गाय, बीइंग अ मैनेजर, यू बीइंग समवन हु कैन मैनेज द धंधा टुमारो. MBA का फोकस सिर्फ पढ़ाई पर नहीं है, वो ये सोच रहा है कि नेटवर्किंग कैसे बेहतर बनाए आपकी. कॉलेजेस ये सोच रहे हैं कि आपको बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के जितने फ्लेवर्स दिए जा सकते हैं वो सब के सब दो साल में दे डालें. तो सोच के देखो क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें ऑफर नहीं कर रहे. हेल यस यार, बिल्कुल, दीज टू आर वेरी वेरी डिफरेंट. नाउ इफ यू आर समवन लाइक मी हु वॉन्ट्स टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एट एनी ब्लडी कॉस्ट, एट एनी ब्लडी पेन, देन हाउ वुड यू गो अबाउट इट. यू शुड डू द फॉलोइंग स्टेप्स. स्टेप नंबर वन, CFA करके अपनी एकेडमिक प्रोफाइल को ताबड़तोड़ सॉलिड बनाओ. सेकेंड स्टेप, एक बहुत ज़बरदस्त जॉब क्रैक करो. गेट इन टू वैल्यूएशंस, गेट इन टू मॉडलिंग, गेट इन टू ड्यू डिलीजेंस. इवन अ जॉब लाइक ऑडिट और फॉरेंसिक्स और डिस्प्यूट्स इज एज गुड. कुल मिला के आपके CV पे बहुत बड़े ब्रांड नेम ऑफ क्लाइंट्स, बहुत अच्छा वर्क एक्सपोजर, बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस आना चाहिए. इफ यू हैव टिक्ड बोथ दीज स्टेप्स, इफ यू हैव टिक्ड बोथ दीज, देन यू हैव अ सॉलिड चांस ऑफ गेटिंग इन टू द बिगेस्ट ब्रांडेड MBA और मास्टर्स इन फाइनेंस, मे बी इन इंडिया और अब्रॉड. 3-4 साल का सॉलिड वर्क एक्स लो, तोड़ वाली MBA मारो और जाओ बैठ के न्यूयॉर्क में डॉलर छापो. दैट वॉज माई प्लान. नाउ शुड यू हैव सच अ प्लान? If being in New York excites you, then why not? छोटा सोचना ही गलत होता है करियर में, बथेरी बार बोल चुका हूँ. चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. आपको ध्यान है मैंने वीडियो के फर्स्ट हाफ में कहा था कि स्किल सेट डिफरेंट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों होना ज़रूरी है. मैं पहले वर्ड डिफरेंट पे फोकस कर रहा हूँ, सुनना. अगर कोई ऐसे दो कोर्सेज हैं जिसमें स्किल सेट बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लाइक अ CA एंड अ CWA, तो मैं कैंडिडेट्स को सजेस्ट करता हूँ दो कोर्सेज करने की ज़रूरत ही क्या है. मार्केट डजेंट वर्क इन द मैनर कि आपके पास एक डिग्री है तो पैकेज 20 लाख, दो डिग्री है तो पैकेज 40 लाख. 1 किलो आलू 2 किलो आलू का गेम नहीं चल रहा है दोस्त. ठीक है ना, तो स्किल सेट डिफरेंट होना ज़रूरी है. सर अब डिफरेंट तो है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ तो? सुनना, मान लो आपने एक तरफ किया MBA और दूसरी तरफ किया लॉ. डू यू जेन्युइनली थिंक कि जहाँ पे आप एज एन MBA फाइनेंस पिक किए जाओगे वहाँ पे आपके लॉ के स्किल सेट का बहुत ज़्यादा काम आएगा? Sadly, I don't think so. But a course like CA plus CFA is not only different, it is actually very complementary as well. It gels together really well. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी life में आज तक किसी को भी CA plus CS का advice नहीं दिया, CA के साथ CWA करने का advice नहीं दिया. CS plus law is a good combination. दोनों में थोड़ा अलग skill set है और साथ साथ में दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी बहुत है. इसी तरीके से मुझे लगता है CA plus CFA is a bloody good combination. CA plus MBA finance is a super good combination. Should you go for it? If you did like the prospect of the above, then why not? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप दो कोर्सेज एक साथ प्लान कर रहे हैं, मतलब समथिंग लाइक अ CFA plus MBA, देन ये दोनों का स्किल सेट अलग अलग तो होना ही चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री भी होना चाहिए. क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी ये बात.
लेट्स से आपने अपने CFA के तीनों लेवल क्रैक कर लिए और उसके बाद 3 से 4 साल एक मिड टीयर एक बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक में बिताया या फिर एक वैल्यूएशन फर्म में बिता लिया. नाउ यू गो इन फॉर अ बिग टिकट MBA. डू यू नो वॉट विल हैपन नाउ? लेट्स से यू रीच आई एम कैलकटा, आई एम अहमदाबाद, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एंड वॉट नॉट. डू यू नो वॉट विल हैपन नाउ? यू विल गेट कॉल्स फ्रॉम द बिगेस्ट पी फंड्स, हेज फंड्स, बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक ग्लोबली. एंड द फैक्ट दैट आपने फ्रंट एंड वैल्यूएशन की जॉब कर रखी है, द फैक्ट दैट यू हैव बीन एट अ बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक एंड डन ऑल ऑफ द थिंग्स जो कि आपके क्लास फेलोज ने नहीं कर रखी होंगी, इट विल गिव यू अ बिग टाइम एडवांटेज ओवर अदर्स. तो आप सोच के देखिए, आपने दो चीज़ें की, आपने CFA में टेक्निकल एबिलिटी जनरेट की और उसके बाद आपने MBA करके एक बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क में ब्रेक इन किया जिसके वजह से आपको बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक्स के कॉल्स आए जो शायद आपको इन जनरल विदाउट एन MBA लेने में और 5 साल लग जाते या फिर शायद नहीं भी आते. बट बिकॉज ऑफ दैट बिग ब्रैकेट MBA कॉल यू वर एबल टू गेट इन टू दिस बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक और यू वर एबल टू गेट अ कॉल फ्रॉम अ बिग टाइम कंसल्टिंग फर्म लाइक अ गोल्डमैन सैक्स और अ मैकिन्जी. तो इस वजह से CFA प्लस MBA मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज एज अ सेड इट इज डिफरेंट एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट्री. सो दैट वॉज माई 2 cents ऑन द डिस्कशन ऑफ लड़ाई बिटवीन CFA वर्सेज MBA. बट मुझे पक्का पता है आप में से कुछ कैंडिडेट्स कहोगे कि हमें ये बताओ, इज CFA स्टैंड अलोन इनफ और नॉट? द आंसर इज हेल येस, 101% येस. CFA एट इटसेल्फ ऑन इटसेल्फ इज टू गुड a certification, a degree to not help you reach the milestones that you would want to in your life. In fact, let me say this, I know a lot many people who plan to do their MBA, but in order to get into a big time MBA, they did their CFA, got a solid work ex, but never really went for an MBA at all because they were doing well in their job. Example ke taur pe batata hu, maan lo aapka CFA clear ho gaya, आपको इंडिया में बिग फोर में वैल्यूएशन डिपार्टमेंट में जॉब लग गई, बहुत प्राइम जॉब होती है, इट्स अ सॉर्ट आफ्टर जॉब फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, MBAs, CFAs, वॉट नॉट, ठीक है ना. नाउ लेट्स से यू गॉट इनटू वैल्यूएशंस एंड यू आर लविंग इट, आपको ये वैल्यूएशंस के डोमेन में जॉब करने में बहुत मजा आ रहा है, क्या आपको फिर भी इस जॉब को छोड़ के MBA और GMAT और CAT के पंगे में पढ़ना चाहिए? द आंसर इज नो. क्यों करना है? वैल्यूएशंस में मजा आ रहा है, हाई पेइंग जॉब है, आपके लिए करियर सेटिस्फाइंग है, बस फिर क्या करना है, लगे रहो. इफ यू डू नॉट डू एनी कोर्स एट ऑल इन योर लाइफ आफ्टर डूइंग दिस CFA, यू आर स्टिल सॉर्टेड. यू विल एंड अप बीइंग द पार्टनर, यू विल एंड अप बीइंग समवन हु इज गेटिंग अ कपल ऑफ करोड़ पैकेज एंड 1 करोड़ का बोनस एंड वॉट नॉट, ये सब पॉसिबल रहता है. मान लो केस नंबर 2 ले रहा हूँ, मान लो आपको वैल्यूएशन में जॉब मिल गई आफ्टर योर CFA, यू आर लविंग इट, बट यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर अदर जॉब डोमेन्स. Now while doing your job, you got an interview call from a PE fund as a valuer for that fund. You cracked it. क्या आपको इस PE fund की job को लेना चाहिए या आपको जाके एक MBA के लिए बैठना चाहिए? नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं MBA करने की, because MBA करने के बाद भी तो यहीं आने वाले थे ना. सर अब एक बात बताओ, क्या सिर्फ CFA करके valuations की job मिल जाती है? 101% yes. I have seen multiple such cases. You do your basic research, you do your due diligence, go to LinkedIn, find people. I'm dead sure you will find people who have just done their CFAs or CAs and are sitting in these big fours in valuations department and modeling and whatnot. Acquire the right skill set. Be bullish on your career. Chota mat socho. Tagadi cheezein karne ki socho. Sirf itna karke kaam chal jayega kya? Sawal hi behuda hai. Sirf itna kyun kare ye batao. मैक्स क्यों ना करें, ज़बरदस्त क्यों ना करें. दैट्स इट एट माई एंड. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना, बताना आप किन टॉपिक्स पे मुझसे डिस्कशन चाहते हैं. थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय, एंड एज आई ऑलवेज से, मे गॉड बी बाय योर साइड.